वेलकम बैक। तो अब चालू करते हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है क्वांटिफायर्स। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करो तो ये इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करने वाला हमारे सिलेबस में, लेकिन हाँ स्टेट बोर्ड में ये रोल प्ले करता है। लेकिन और एक चीज नोटिस करना, जेडब्ल्यू मेंस में भी इस पे क्वेश्चन देखा गया है, तो तुम लोग को ना डरना नहीं है, सिर्फ सिंबल काम आने वाला है। देखो अगर तुम लोग को याद होगा, ये सब मत देखो मैं ऑलरेडी लिखा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ऑलरेडी लिख के सिखा रहा हूँ इसलिए चीजें समझना। अब देख बच्चा एक चीज याद रखना, तुम लोग को जब मैंने बोला x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, जब याद होगा लेक्चर नंबर 01, तो अगर ऐसा कुछ समझ आया है तो मैं बोलूंगा बताओ ये स्टेटमेंट है या नहीं, तो तुम लोग सबसे पहले बोलोगे ये स्टेटमेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है स्टेटमेंट? क्योंकि x की जगह पे अगर मैंने चार रखा तो 4 प्लस 3 इज व्हाट 7, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने x की जगह पे 4 नहीं रखा तो हम लोग बोलेंगे ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बच्चा कभी कभी ये ट्रू हो रहा, कभी कभी ये फॉल्स हो रहा, टोटली डिपेंड कर रहा है x का वैल्यू, जो तुमको पता ही नहीं है। बराबर है ये चीज? तो ऐसे टाइप के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते थे, याद आ रहा है तुम लोगों को? यस ऑर नो एवरीवन प्लीज। अब याद रखना क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफायर एक सिंबल है। दो टाइप की क्वांटिफायर्स लिखेंगे, देखो वी लिख के ऐसा लिखने का और उल्टा ही लिखने का, दो क्वांटिफायर्स है। जब ये क्वांटिफायर्स ओपन सेंटेंस में यूज होते हैं, मार्क माय वर्ड, जब ये हो सकता है कल के दिन किसी इंसान ने पूछा, जब ये क्वांटिफायर्स ओपन सेंटेंस में यूज होते हैं तो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाता है। क्या जादू वाली बात है ना, ये सब चीज तो हम लोग ने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं, बस हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं, देखो अभी मैं तुम लोग को जादू वाली बात करूंगा, ये टॉपिक पर वापस आएंगे। यहां पर क्वांटिफायर्स क्या करता है, क्वांटिफायर्स ओपन सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करता है, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में। ये देखो ये टूल्स है, ये बच्चे लोग को पता ही नहीं होता क्यों करना है, उन लोगों को लगता है क्यों करना, अपने को सॉल्व करने आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं डिस्कस करूंगा, सिर्फ ये क्यूरियोसिटी रखे रहो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अभी जो बच्चे अच्छे से पढ़े ना स्टेट बोर्ड, उनको मालूम पड़ गया यार ये तो मैं सोचा ही नहीं, यार ये तो मैं सोची ही नहीं, समझ पा रहे हो? चलो अपार्ट फ्रॉम दिस आ जाते हैं। क्वांटिफायर्स दो टाइप के इस समय, ये देखो ऐसा ये दिख रहा है ये वाला, या पर इसको यूनिवर्सल बोलते हो छोड़ो, अपने को क्या बोलते हो छोड़ो, वी दिखता है उसको कट मारने का, उल्टा ही दिखता है। ये जो वी दिखता है ना इसके आगे देखो मैंने छोटा एक्स लिखा, तो वी मतलब क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और ई वाला जो दिखता है उसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। आगे चल के डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, सिर्फ एक बार नजर के सामने से जाओ, वी मतलब ऑल, ई मतलब एटलीस्ट वन, एक बार वापस, वी मतलब ऑल और ई मतलब क्या हो रहा है, एटलीस्ट वन। अब देखते क्या है, मैंने यहां पर जबरदस्ती एक्स लिखा तो मैंने लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहां पर वाई लिखूंगा तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। यहां पर देखो ये दिखता है ई के उल्टा करने का, इसका नाम है वो सब यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऐसा बोलते, नहीं अपने को नहीं हजम होएगा, अपने को वी और ई हजम होता है। तो यहां पर देखो ये दिखता है, याद रखे सबको, रुको मैं इसका तुम लोगों को नाम ही बता देता हूं, नहीं तो कल के दिन तुम लोग ही गाली दोगे। देखो इसको यूनिवर्सल बोलते, यूनिवर्सल, और इसको एग्जिस्टेंशियल बोलते। देखो आ गया ना गंदगी, आ गया ना सर, इसलिए मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा था। यूनिवर्सल और इसको एग्जिस्टेंशियल, बराबर है, नाम देख लिया बता दिया। तो अब तुम लोगों को ये याद रखना, वी वाला याद रखा, ई वाला याद रखा, वी मतलब ऑल, ई उल्टा, ई मतलब एटलीस्ट वन। अब एग्जांपल लेते तो और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन है तो एग्जांपल के थ्रू क्लियर होएगा। देखो बच्चा मैंने 1 2 3 4 5 सम लिया है, अगर तुम लोग को दिख रहा रहेगा यहाँ पर, इफ ए इज इक्वल टू समथिंग दिया है, एक है, देखो कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट दिया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो है ना ये सब, ये बताओ मैंने अभी क्या लिखा था, x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तुम लोग को x का वैल्यू नहीं पता था, अब यहां पर मैंने बोल दिया कि x का वैल्यू पता है, देख x का वैल्यू यही सब लिख सकता है। अरे अच्छा, आप इनडायरेक्टली हम लोग को x का वैल्यू बताने वाले हो, ऑब्वियसली सर यही तो हम लोग ने सीखा, अगर आप x का वैल्यू बता दोगे तो हम लोग, देखो ना उधर था x इज इक्वल टू 7 इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग x इज इक्वल टू 7 को पुट अप करके देखते थे, है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, क्योंकि सिर्फ वहां पर x इज इक्वल टू 7 के बारे में जिक्र करना था, यहां पर x का वैल्यू कितने सारे, 3 5 7 9 11 12, ओ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, आप इनडायरेक्टली हम लोग को x का वैल्यू दे रहे हो, तो ये ओपन सेंटेंस कैसे हो सकता है, ओपन सेंटेंस मतलब आप x का वैल्यू दोगे नहीं, अब यहां पर x का वैल्यू आप दे रहे हो। यस गाइस, यस यस यस, बस ग्रेट, अगर तुम लोग समझ गए तो यहां पर अच्छा, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये याद रखना x का वैल्यू क्या क्या है, x का वैल्यू कल के दिन इसको x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 12, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसको छोटा x का वैल्यू बोलते हैं, याद रहेगा। चलो सबसे पहले यहां पर क्या बोला है, देखो अब पहला क्वेश्चन चालू होता है,
पहला क्वेश्चन चालू होता है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब अभी तो सिखाया, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स जो कहां पर बिलोंग हो रहा है, इसको रीड कैसे करते, बिलोंग क्या रीड करते, अपन ने नवीं दसवीं में सीखे था, बिलोंग मतलब एक्स का वैल्यू, कोई एक ए में से कोई एक एक्स का वैल्यू दे देना जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसको एक सेटिस्फाई करेगा, कम से कम एक वैल्यू बताना, है तो ट्रू बोल, है तो ट्रू बोल, नहीं है तो फॉल्स बोलना, कोई एक वैल्यू दे देना, कोई एक वैल्यू नहीं दे पाया तो फिर इसका मतलब मैं फॉल्स हूं, एक तो दे देना, भिखारी देख, भीख मांग रहा देख, तीन देख, ऐसा कुछ अलग ही लग रहा है, छोड़ो यहां पर देख, ये देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स जो काम ए में से ही अभी देखो यहां पर ए के अंदर चार नहीं है तो चार नहीं ले सकता एक्स की जगह पे, तो एक बार वापस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स जो ए से बिलोंग कर रहा है, कोई है क्या इसके अंदर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो एक्स की जगह पे तीन डालेगा तो तीन माइनस आठ नहीं हो रहा है, पांच नहीं, सात नहीं, नौ, अरे हाँ मिल गया, एक्स इज इक्वल टू नौ सेटिस्फाई कर रहा है, एक सेटिस्फाई किया ना, कम से कम एक सेटिस्फाई किया ना, हाँ तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अभी देखो नॉर्मली अगर मैं ये तुम लोग को देता पहले लेक्चर में तो तुम लोग बोलते सर एक्स का वैल्यू नौ रहेगा तो ये ट्रू है, एक्स का वैल्यू अगर नौ नहीं है तो ये फॉल्स है, लेकिन आपने तो नौ दिया ही नहीं था, तो ओपन सेंटेंस इस वक्त मैं दे रहा हूँ, इस वक्त मैं वैल्यू दे रहा हूँ तुम लोग को, अरे समझ पा रहे हो कैसे हेल्प लिया, देखो ये तो है, ये कैसे हम लोग ने बात किया, क्वांटिफायर यूज किया तो एक्स सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये जो है ना एक्स माइनस एट इज इक्वल टू वन, अब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट, और ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल टी, बोलो ये समझा, पहले तो ये ओपन सेंटेंस था, ओपन में ना ही मैं ट्रू बोल सकता था ना ही फॉल्स, अब मैं बोलने लग गया, देखो गूंगा बोला, हाँ मतलब मैं अपने आपको गूंगा बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना, यहाँ पर ये समझा या नहीं समझा क्वांटिफायर्स के थ्रू, चलो ये देखते ये क्या लिखा है, ऑल, क्या लिखा है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जितने भी यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिख रहे हैं ना, जितने भी यहाँ पर एक्स का वैल्यू दे रहे हैं, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे या नहीं, इसको सेटिस्फाई कर रहे नहीं, देखते हैं यहाँ पर, चलो पहले देखते हैं ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, पहले ये वाला एक्स लेते हैं, थ्री का स्क्वायर देखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देखो सब सेटिस्फाई करेगा तो ही ट्रू है, अगर एक इधर अगर एक रहता तो एटलीस्ट वन चल जाता, यहाँ पर लिखा ऑल, सब सेटिस्फाई करना चाहिए, सब सेटिस्फाई करेंगे तो ही टी है, अगर सब सेटिस्फाई नहीं किया तो फॉल्स है, चल आगे बात कर लेते, थ्री ए माइंड में कर, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री बराबर है ना, 9 प्लस 3 12 क्या इवन नंबर है, हाँ चलिए तो ट्रू हो गया, 5 का स्क्वायर चल 5 का भी देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5 का देखा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 इवन नंबर है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 56 इवन नंबर है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 अरे समझा 81 देखे 8 का स्क्वायर प्लस 8 9 का स्क्वायर प्लस 9 ये इसी का वैल्यू लेना 81 ना ये तो 90 हो गया इवन नंबर है, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 21 रुक आ रहा क्या ये 131 प्लस 1 132 ये भी इवन नंबर है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 156 हाँ इवन नंबर है, इसका मतलब सबने ही सेटिस्फाई किया, इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा टी, अरे समझ पा रहे हो, अगर मैंने तुम लोगों को नॉर्मली दिया रहता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर और नॉट, चलो देखते मैंने एक्स का वैल्यू नहीं लिया तो सर इसका मतलब ये तो ट्रू वैल्यू है, देखो मैं एक्स का कुछ भी वैल्यू लूंगा ये सेटिस्फाई कर, एक्स की जगह पे बोल लो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज व्हाट 2 देखो 2 का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इज व्हाट 6 इवन नंबर, अरे बच्चा नेगेटिव वैल्यू भी तो हो सकता है, एक्स की जगह पे देखना एक्स की जगह पे एक काम करना एक्स की जगह पे माइनस टू डाल माइनस टू का स्क्वायर 4 लेकिन अपन कर रहे क्यों है इसमें से देखने का ना तो इसमें से ही बात करते अरे समझ पा रहे हो या नहीं अरे ऐसा अपन देख रहे थे ये ओपन सेंटेंस है या क्या है ये देखना पड़ेगा एक्स का वैल्यू कुछ भी लिखेंगे तो मालूम पड़ेगा अगर हर बार इवन आ रहा है तो ये ओपन सेंटेंस नहीं है ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि हर बार इसका वैल्यू फिक्स हो रहा है देखो ना माइनस टू डालेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर 4 और एक्स की जगह माइनस टू आंसर आ रहा है टू अच्छा इसके जगह माइनस नाइन का स्क्वायर 81 में से 9 जाएगा कितना बचेगा देखो 11 में से 9 हाँ तो ये भी इवन नंबर ही आएगा जो भी आएगा 72 के आसपास अरे समझ पा रहे हो नहीं 72 ही आएगा ना 72 तो मेरे हिसाब से वो भी इवन नंबर तो अगर कभी किसी ने बोल दिया पता ये इवन नंबर है या नहीं तो तुम लोग ये मत बोलना एक्स का वैल्यू देख पहले ट्रू या फॉल्स कभी ये ऊपर नीचे हो रहा है क्या नहीं ये तो कंफर्म है ट्रू है तो ठीक है लेकिन ये तो ऊपर नीचे हो रहा था ना ये तो ओपन सेंटेंस था अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स का सब वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई किया इसका मतलब ये क्या है
ट्रुथ वैल्यू इसका टी है। यहां पर देख, ये देखिए क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट, कोई एक वैल्यू बताना, एटलीस्ट वन, कोई एक वैल्यू है एटलीस्ट वन जो ऐसा सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब जीरो से कम, जीरो से कम, अरे थ्री का स्क्वायर नौ, जीरो से कम नहीं है, कोई है ही नहीं। अरे भाई कोई भी, किसी भी इंसान किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। देखना 12 का स्क्वायर कर, 144 क्या जीरो से छोटा होता नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं मिला, एटलीस्ट वन कोई भी वैल्यू देते, देख कोई भी, देख कोई भी नहीं है, सब अमीर लोग है, किसी ने भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगा एफ। अब यहां पर चलो सोचो, ये दोनों को सोचो, ये क्या है, ये ऑल है, ऑल, देखो ऑल और एटलीस्ट वन बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, ये यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल हजम ही नहीं हो रहा, इधर अटक ही नहीं रहा। चलो ऑल, सब देखो, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जो ए के अंदर है, क्या इवन नंबर है क्या, सब नहीं है यार, एक्स इज इक्वल, देखो ऑल बोला है 3, 5, 7, 9, 11 डज नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये एटलीस्ट रहता तो काम हो जाता, एटलीस्ट मतलब देखो 12 इसको सेटिस्फाई करता, लेकिन इसने बोला क्या सब कर रहे क्या, नहीं, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। ऑल लिखा है ना, इसने ऑल लिखा है। अच्छा इसका सोचो, इसका सोचो, देखिए एटलीस्ट वन, कोई एक ऐसा वैल्यू, एटलीस्ट वन कोई एक ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, क्या कौन सा सेटिस्फाई करने बोला है, 3x + 8, कोई ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करो, कोई एक वैल्यू, कोई एक वैल्यू, ए डाला 3 डाला तो 3 3 9, 9 + 8 हटा, एक काम कर 12 डाल, 12 डालेंगे तो देखो 3, समझ में आ रहा है, एक्स की कोई एक वैल्यू मिल जाए बस, कोई भी एक वैल्यू, 12 3 36 36 + 8 44, हाँ ये देख मिल गया, x इज इक्वल टू 12 मिल गया। वैसे तुम लोग 11 को भी चेक कर लो, 9 को भी, लेकिन एक ही वैल्यू चाहिए ना, कोई एक ने सेटिस्फाई किया क्या, कोई एक ने, समझ में आ रहा, कोई एक ने सेटिस्फाई किया, हाँ तो ये ट्रू है। अगर इधर ऑल रहता, ऑल रहता तो सब सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर सब ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये फॉल्स हो जाता। मेरे हिसाब से क्वांटिफायर जितना बड़ा वर्ड है उतना है नहीं, क्या समझा, क्वांटिफायर्स ने क्या किया, कुछ ओपन सेंटेंस को, ये तो ओपन सेंटेंस था ही नहीं, ये जो था ये वाला, ये देखो ये वाला, ये नहीं, लेकिन कुछ ओपन सेंटेंस को उसने क्या कर दिया, ओपन सेंटेंस को ना, ओपन सेंटेंस को उसने स्टेटमेंट में बदल दिया। क्वांटिफायर्स का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यही होता है। तो क्वांटिफायर्स भी खत्म होता है अपना टॉपिक। अच्छा ये क्लियर हो गया, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। प्लीज तुम लोगों को कॉपी वीपी कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वीडियो को सिर्फ देखना है, टाइम उतना नहीं कि कॉपी करते बैठोगे, समझ पा रहे हो, सबका पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ एक बार नोटिस करना, कुछ की पॉइंट लिखना रहेगा तो लिख लेना हिंदी मराठी में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ड्यूअलिटी, हम लोग इसको प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी भी बोलते हैं या फिर ड्यूअल बोलो, सिर्फ ड्यूअल बोलो। याद करो प्रीवियस कोविड में 2 साल से ये उम्मीद था, और क्योंकि बहुत ही चिंदी है, बेसिक्स के लिए सिर्फ मैं तुम लोगों को इतना बताता हूँ, बेसिक्स सिर्फ इतना याद रखना, देखो बेसिक्स क्या होता है, बेसिक्स याद रखना, ड्यूअल मतलब एंड का और करना है, और का एंड करना है, मतलब कहीं पर भी एंड दिखेगा उसको सिंपल किस में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना, और में, या और रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना, एंड में, बोलो याद रहेगा सबको, अभी आगे देखेंगे। अच्छा टॉटोलॉजी, छोटा टी रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना, छोटा सी में, कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो किस में कन्वर्ट करना, टी में, बस यही बेसिक्स खत्म होता है। एग्जांपल देखो फटाफट करते, ड्यूअल पूछा है, सॉल्यूशन देखो, इट्स ड्यूअल विल बी, कभी किसी नेगेशन को टच नहीं करना, देखो ड्यूअल कितना आराम से सॉल्व होएगा, ये देखो क्या आएगा, पी लिखने का, एंड है उसको वी लिखो, और जो वी है उसको एंड लिखो, बस खत्म हो जाता है, एंड को वी, वी को एंड, सी को टी, टी को वी, बस खत्म, सी को टी, टी को सी, बस खत्म। देखो यहाँ पर देखो, चलो बोलो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, ड्यूअल क्या हो जाएगा, ड्यूअल क्या हो जाएगा, चलो चलो फटाफट, दो दो मिनट में हो जाएगा, पी एंड का क्या लिखेगा, और छोटा टी है, छोटा टी मतलब टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का उल्टा क्या होता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, छोटा सी, ये वी का क्या हो जाएगा, एंड, सी का क्या हो जाएगा, टी, एंड का क्या हो जाएगा, और नेगेशन का, नेगेशन क्यू, अरे सर समझ गया मैं, सर समझ गया, खत्म। अरे कितना ईजी टॉपिक है सर ये, इतना, अरे आठवीं वाले बच्चे को भी बताएगा तो भी, देख ये सी का क्या होगा, टी, वी का क्या होगा, एंड, पी का तो पी, एंड का क्या होगा, वी, ये क्या होगा, क्यू, वी का एंड, आर, खत्म हो गया सर, कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट, बरोबर है बच्चा ये, अरे बोल हाँ या ना। चल इसका बता, इसका देख, ये देख कितना आसान आसानी है, यहाँ पर वी का क्या हो जाएगा, एंड, क्यू, वी, आर, एंड का यहाँ पर ये हो गया, और टी का छोटा सी, सर ये क्या है, विनय एंड विजय कैन नॉट स्पीक मराठी, कैन नॉट स्पीक मराठी, सोचो इसको किस तरह लिखेंगे, जरा दिमाग लगाने का और मुझे बताने का, ड्यूअल बोला है, ड्यूअल, तुम लोग दो ऑप्शन है, पहले इसको स्टेटमेंट में कम करो, कन्वर्ट करो, याद करो इसको कैसा लिख सकते हम लोग, तुम लोग को स्टेटमेंट में पूछा तो स्टेटमेंट में ही लिखने का, तो क्या लिखोगे, विनय सिर्फ एंड, कैन नॉट का नहीं देखना है, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना रहेगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्कस होना चाहिए, पी, विनय कैन नॉट नहीं लिखने का, याद आ रहा है, इसको हाईलाइट करते थे हम लोग, विनय कैन स्पीक मराठी, विजय कैन स्पीक मराठी,
बराबर है ये चीज, ये याद आ रहा है तुम लोगों को? तो इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा बातें, ताकि तुम लोगों को समझा, अगर कभी किसी ने मुझे इसका कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला तो क्या आएगा। सिंबॉलिक फॉर्म, हाँ सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है ये देखो, मैंने पी लिखा और तुम लोगों को मालूम है नॉट को मैं इग्नोर करता हूँ और एंड को, तो हम लोग क्या लिखे, विनय, विनय कैन स्पीक मराठी, स्पीक मराठी, और क्यू को क्या लिखेंगे, विजय, विजय कैन स्पीक मराठी, स्पीक मराठी, इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहता तो क्या लिखते हम लोग, हम लोग लिखना है विजय एंड विन, विनय एंड विजय कैन नॉट स्पीक मराठी, मतलब ये देखो ये क्या लिखा, नेगेशन ऑफ पी, मतलब विनय मराठी, विनय लिखा ना, हाँ विनय मराठी नहीं बोल सकता एंड विजय मराठी नहीं बोल सकता, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म होता, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म होता। अभी मुझे इसको अगर ड्यूअल में कन्वर्ट करना, ये समझा तुम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म, अच्छा इसको ड्यूअल में कन्वर्ट करना तो क्या आएगा, नेगेशन की जगह पे नेगेशन, पी के ये देखो एंड की जगह पे और आएगा, और ये नेगेशन की, इसको क्या बोलेंगे, ड्यूअल, क्या बोलेंगे, ड्यूअल बोल दिया हमने। अब इसको रीड करो, पी क्या है, विनय कैन नॉट स्पीक मराठी और विजय कैन नॉट स्पीक मराठी, सेंटेंस में आ जाएगा, विनय कैन नॉट स्पीक मराठी, कैन नॉट स्पीक मराठी और विजय कैन नॉट स्पीक मराठी, ये हो गया। हाँ सर यही है ड्यूअल, हाँ कैन नॉट स्पीक मराठी, लेकिन थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं, विनय एंड विजय कैन नॉट स्पीक मराठी। ये पूरा लेंदी अप्रोच हो गया स्टेट बोर्ड के हिसाब से, लेकिन अपने को समझना चाहिए, अपने को नॉट पे तो ध्यान ही नहीं देने गए, अपने को क्या करना है एंड का वी, वी का एंड, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे विनय एंड की जगह पे क्या आएगा और विजय, अरे समझाइए नहीं, विजय कैन नॉट स्पीक मराठी, बस खत्म होता है। तो वो सब क्या था, वो सिर्फ वैसे बकवास वाली बातें करना था मुझे, दो मिनट तुम्हारा टाइम खोटी कर रहा था इसलिए, लेकिन समझना चाहिए, मैंने स्टेटमेंट को सिंबल में कन्वर्ट किया, सिंबल को ड्यूअल में कन्वर्ट किया और ड्यूअल को वापस स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, वर्डिंग में, सेंटेंस में, ये समझ पा रहे हो ना, ऐसा निबंध में लिख के दिया था, निबंध को मैंने तोड़ दिया सिंबल फॉर्म में, सिंबल का मैंने ड्यूअल लिया, ड्यूअल को वापस निबंध में कन्वर्ट किया, डायरेक्टली भी होता है। चलो इसका सोचो, माधुरी हैज कर्ली हेयर, हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे, इसकी जगह पे क्या लगाओगे, और लगाओगे, खत्म, ड्यूअल खत्म, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका नेगेशन, बहुत ही सल्यूट वाला बंदा है, बहुत मजा आने वाला, प्लीज एक बार नजर मार लो। सो गाइस नेक्स्ट इज व्हाट, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, मार्किंग दे दो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। देख बच्चे बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये, नेगेशन वाले के बारे में बात करना है, हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ पर देखो किस तरह मैं बात करने वाला हूँ, चीज़ें समझ लो। नेगेशन मतलब तुम लोग को थोड़ा नॉट रहेगा तो नॉट नहीं बोलना है और नॉट नहीं है तो नॉट बोलना है। जैसे मैंने बोल दिया 3 इज अ प्राइम नंबर, इसका नेगेशन बताओ, तुमने लिखा 3 इज अ प्राइम नंबर, तो अभी क्या बोलोगे, नेगेशन इज व्हाट, 3 इज नॉट अ प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला आशीष इज नॉट अ हैंडसम बॉय, उल्टा क्या आएगा, आशीष इज अ हैंडसम बॉय। मैंने लिखा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इसका नेगेशन कहेगा मुंबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नॉट नहीं है तो नॉट लगाओ, नॉट है तो नॉट हटाओ, यही नेगेशन होता है। लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, देखो तुम लोगों को याद होगा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात किया था। बच्चा देख तूने ट्वेल्थ में क्या गुड़ खिलाया टीचर लोगों को वो पता नहीं मुझे, तूने अपने पेरेंट्स को क्या बताया वो पता नहीं, लेकिन तू अब सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तू मेरे थ्रू प्रिपेयर कर रहा है, फ्रेंड सेकंड में तेरे लिए दिन रात सुबह से शूट कर रहा हूँ, तुम लोगों को नहीं मालूम है, कपड़ा उतार रहा हूँ निकाल रहा हूँ, समझ पा रहे हो ये चीज, मतलब कोट ब्लेजर की बात कर रहा हूँ यार, कुछ भी गलत सोचते साले। चलो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ याद करो बच्चे क्या होता है, देख बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, इसके बारे में बात किया था। अगर यार देखो हम लोग ने बात किया था लॉजिकल इक्विवेलेंट में, पीडीएफ ओपन करके देख लो, ये जब अंदर जाता है तो क्या था माइनस पी, एंड का क्या हो जाता है वी हो जाता है और ये नेगेटिव, याद रखना ड्यूअल में सिर्फ एंड का वी होता है, वी का एंड होता है, टी का सी होता है, सी का वी, सी का टी होता है, बस समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो बाहर माइनस है ना अंदर जाता है, अंदर जाने के टाइम ये देखता है अंदर कितने लोग हैं, दो जने ना, तो दोनों का साइन चेंज करके अंदर का साइन एंड है तो यू करूंगा। चलो अगर डाउट है ये ऑलरेडी हो चुका है, बस स्टिल अपने को एक बार रिकॉलिंग कर रहा हूँ। चलो बोलो इसका अंदर जाएगा, देख दो जने अंदर, दो जने अंदर, इसका साइन चेंज करेगा, इसका साइन चेंज करेगा, जो वी था ना वो एंड हो जाएगा, बोलो याद रहेगा। अच्छा बचपन से पढ़ते आ रहे माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। देखना मैंने लिखा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इसका उल्टा कर मुंबई इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, उसका उल्टा कर मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब माइनस और माइनस पी होता है, मतलब ये तो कॉमन सेंस है। अच्छा यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, ये अभी हम लोग ने देखा ये एटलीस्ट वन वाला है,
एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का जब तुम लोग उल्टा करते हो ना ऑल हो जाता है, याद करोगे ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही है ना, देखो ये एटलीस्ट वन, ये सब बोलता है ये सब, ये एटलीस्ट वन, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, बोलो याद रहेगा। अच्छा इसका उल्टा क्या ऐसा हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल नहीं हजम नहीं हो रहा है, उल्टा ही बोलो वो हजम हो रहा है। अच्छा ये देखो अंदर लेस देन और ग्रेटर देन दिखेंगे, अंदर लेस देन और ग्रेटर देन दिखेंगे, इसका उल्टा करना रहेगा ना, दो अप्रोच है। ये देख ये क्या लिखा है अभी देखो, यहां पर फाइव, यहां पर देखो मैंने टेन लिखा, इसका उल्टा करना है, नेगेशन करना है, तो नेगेशन करना है, इसके लिए दो अप्रोच है, देखो दो अप्रोच है, क्या होता है अप्रोच, ये देखो नेगेशन करोगे तो देखो ऐसा अंदर माइनस माइनस मत फेंको, अंदर माइनस कब फेंक सकते हो जब वी और एन है तभी, अदरवाइज नहीं, डायरेक्टली बोलो ये बोल रहा है पांच दस से छोटा है, अब तुम लोग क्या बोलोगे पांच दस से बड़ा है, और भी एक चीज आएगा उल्टा करोगे, देखो सिंपल ऐसा रहेगा तो ऐसा करो, इक्वल टू है तो इक्वल टू मत दो, बोलो इसका क्या होगा, ये समझा तुम लोग को, ये भी चलेगा। अच्छा ये देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, बोलो इसका नेगेशन क्या आएगा, देखो दस के पास दो दांत है अभी बोलने का, पांच के पास दो दांत रहेगा, इधर इक्वल टू, इधर इक्वल टू मत दो, इधर से थोड़ा स्क्रीनशॉट मार के यहां पर बात करने का, ये चीज क्लियर होगा तुम लोग को। हाँ यार बच्चा मतलब तुम लोग समझ गए हो, ईजी है, पांच छोटा है अब बोलेगा पांच बड़ा है, इधर इक्वल टू नहीं है इक्वल टू देने का, इक्वल टू है इक्वल टू हटा देने का, ये क्लियर रहेगा। तो वही चीज है, वही चीज है बस, यहां पर देख ये दिख रहा है, अब क्या बोलोगे एक्स क्या है बड़ा है, किससे बड़ा है वाई से, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू देने का, और क्या हो सकता है यहां पर भी देख लो, इधर बोलो एक्स बड़ा लिखा है तो बोलेगा एक्स छोटा हो गया, यहां पर इक्वल टू नहीं है तो इधर इक्वल टू देने का, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू नहीं देने का, इसके जगह पे मैं और करके लिख रहा हूं, और क्या होता है, और ये चीज समझो बच्चा क्या होता है, और ये चीज समझो, और हम लोग ने लिखा एक्स इज वॉट छोटा है, एक्स छोटा है वाई से, तो आप देखो इसका मतलब पढ़ो, इसका रीड करो, इसका मतलब एक्स छोटा वाई से, एक्स छोटा वाई से नहीं है, मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, हाँ सर ये सही, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हैं सेम टू सेम लिखने का और इसको कट कर देने का, ये भी सही अप्रोच है। तो बच्चा अगर ये तू ये चीज समझ पाता है, देखो अपने स्टेट बोर्ड में ये सब सीखा है, स्टेट बोर्ड में सब सीखा है, सब सीखा है, सब सीखा है स्टेट बोर्ड में, समझ पा रहे हो, अगर मेरे बच्चे कोई देख रहा तो उसके लिए तो रिविजन है, अगर तुम लोग ने पढ़ाई कहीं से भी तो अच्छी बात है, तुम्हारे टीचर का रिस्पेक्ट करो, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, नहीं भी सिखाया तो कोई भी कोई गम नहीं, मैंने चार सम लिया है, ये याद रखना, ये जो भी अंदर क्या आएगा वी या तो एंड। चल बच्चा यहाँ पर देख नेगेशन, यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड क्या लिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, फाइंड द नेगेशन, फाइंड नेगेशन, मैंने इसके पहले ड्वेल लिखा था, अब नेगेशन लिख रहा हूँ, याद रखना जिस दिन तुम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट आ गया मतलब निबंध में लिख के दिया है तो उसको सिंबल में कन्वर्ट करो, फिर इसका नेगेशन लो, नेगेशन के बाद वापस को स्टेटमेंट में लिखना, याद रखा देखो मैंने कुछ चीज़ें बोल दिया, अगर तुम लोग ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया है तो उसको सिंबल में लो, अभी जैसे इसके पहले सिंबल में लेने के बाद उसका नेगेशन करो, नेगेशन के बाद स्टेटमेंट में कर देना, अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा तो स्टेटमेंट में ही देना चाहिए मतलब निबंध में वर्डिंग में। यहाँ पर देख ये वाला दिया है तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन मतलब ऐसा लिखने का, बोलो याद रखा सबको, बोलो अच्छा यहाँ पर देख ये होने के बाद अंदर कितने लोग दिख रहे, दो जन, दो जन कैसे दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, ये सबका साइन चेंज होएगा ये सबका। अब देखो और मैं तुम लोग को कुछ चीज़ें बोलने वाला हूँ, प्लीज इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, लेकिन अगर किसी बच्चे को समझना रहेगा कि कोई स्टेटमेंट है क्या, कोई स्टेट बोर्ड में लैंग्वेज है, हाँ तो देख इसको एंड बोलते हैं, याद आ रहा है एंड, एंड एंड को हम लोग ने एक और नाम बोला था कंजंक्शन, क्या बोला था कंजंक्शन, याद आ रहा है, तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, तकलीफ पे तकलीफ, क्यों सर बता रहा हूँ, कुछ बच्चे होते ना इसको नेगेशन ऑफ नेगेशन बोलते, नहीं मैं बोलता कुछ मत बोल, तू सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा मत, इसको क्या बोलते नेगेशन ऑफ ये, इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते हम लोग एंड है ना, एसी एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर मतलब कंजंक्शन, तुम लोग कंजंक्शन का नेगेशन कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ तुम लोग को लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग में से अगर किसी बच्चे को हजम नहीं होता तो मत लिखना, नेगेशन ऑफ वॉट, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो सर समझ गया मैं, समझ गया ये समझ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको और को आप डिसजंक्शन बोलते हैं तो इसको बोलेंगे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ लेकिन अपने को ये चीज़ पता होना चाहिए, देख ये क्या है नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये तीन स्टेटमेंट याद रखना, नेगेशन ऑफ नेगेशन, समझ में आ रहा हो, नेगेशन ऑफ नेगेशन। अब मैं तुम लोग को पते की बात बोलूँ, हम लोग है ना ये पूरे को नहीं बोलेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डी मॉर्गन्स लॉ डायरेक्टली बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये समझ पा रहे हो ये चीज, ये दोनों को क्या बोलोगे, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो तुम लोग को कौन सा हजम हो रहा है लिख लो, सब कुछ दे दिया मैंने। अच्छा टॉपिक अपना ये था, अंदर कितने लोग हैं, एक दो, दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों का साइन समझ रहा है, ये देख ये एक है, दोनों का साइन चेंज करो, ये पूरा इसका साइन मत करना, इसका साइन चेंज करो, बोलो याद रहेगा तुम लोग को, साइन चेंज और बीच का वी का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
अभी भी कुछ पेंडिंग है कि हाँ कर सकते हो, और कुछ मार सकते हो क्या, नेगेशन हाँ मार सकते हो, इधर का कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो दो जन दिख रहे हैं। अरे बोल बच्चा समझ पा रहा है या नहीं, पहले दोनों का साइन चेंज करो, बीच का देख ये तो एक ही है, एक ही है, ये एंड का एंड, इधर देख दो जन है, दो जन है, तो क्या करोगे, दो जन है, पहला एक ये दिखता है, दूसरा ये दिखता है, तो दोनों का साइन चेंज, दोनों का साइन चेंज, और ये जो वी है वो क्या हो जाएगा एंड, समझ पा रहे हो ऐसा, ये क्लियर रखने का, किसी को दिक्कत है इसमें। अब देखो ये तो हो गया, ये स्टेट ये अपना बरोबर है, इसमें बात कर लेते हैं। चलो पहले इसका नेगेशन मारना ना, तो होल बड़ा वाला ऐसा नागोबा आना चाहिए। चल बच्चा अंदर कितने स्टेटमेंट है, देख कितने स्टेटमेंट है, एक्चुअली पी क्यू आर एस चार है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली दिखते ना, एक देख ये डब्बा एक डब्बा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देख पहला वाला ये टर्म है, पहला वाला टर्म है और दूसरा वाला ये टर्म है, दोनों को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड ज्वाइन कर रहा है, एंड ज्वाइन कर रहा है, तो अगर मेरे को ये माइनस को अंदर देखना रहेगा तो एंड मतलब कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन बोल सकते हो, अपन नहीं बोलते, अपन बोलते डी मॉर्गन्स लॉ, क्या आएगा इसका साइन चेंज, प्लीज साइन चेंज मतलब अंदर मत फेंक देना, पहले ओवरऑल साइन पे जाएगा माइनस, ये अंदर फेंक दिया और ये अंदर फेंक दिया, साइन चेंज, पहला साइन चेंज इसका क्या होगा, नेगेटिव ऑफ आर एंड एस, बोलो ये क्लियर रहेगा, ये एंड का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, बोलो ये क्लियर हो गया। अब जो भी ये देख ये माइनस सिर्फ इसके पास है, प्लीज डोंट से कि माइनस सबके पास है, इसके बारे में ध्यान से देखने का, इसके बारे में ध्यान से देखने का, किधर कह रहे हाँ, इसके बारे में सिर्फ ध्यान से देखो और इसके बारे में ध्यान से देखो, ये वी का तो कुछ नहीं होने वाला अभी, अभी जरा सोचो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस अंदर जाएगा, दो टर्म है, एक ये है एक ये है, दोनों का साइन चेंज, माइनस का साइन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ क्यू, जो वी था वो एंड हो गया। अरे बोलिए क्लियर रहेगा, समझ मेरे कितने आराम से सॉल्व कर रहे हो, देखो यहाँ पर अंदर कितने लोग, एक दो, दोनों का साइन चेंज, माइनस आर का आर, अरे समझ माइनस देखना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये क्या हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा माइनस एस, और एंड का क्या जो एंड है वो क्या हो जाएगा वी, समझ पा रहे हो, ये देखो कितना इजीली सॉल्व किया। अच्छा ये स्टेट बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों स्टेट बोर्ड में, इसको क्या बोलते याद करो, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल, क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशनल बोलते या फिर इम्प्लीकेशन बोलते, याद आ रहा बच्चा, अरे बोल आया ना, मतलब तुम लोग को ये बोला जाएगा एग्जाम में कि नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो डायरेक्टली याद करने बोलते हैं, जैसे ये दोनों किया ना, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिजंक्शन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, वैसे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, पांच रहते हैं, बहुत तकलीफ दे रहा चीज़ है। नहीं 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 एक बात बता, नेगेशन लगाने के लिए सिंगल एरो चलता है क्या, नहीं, डबल एरो चलता है क्या, नहीं, तो सिंगल एरो को बदल सकते हैं। अरे सर इसके पहले वाले वीडियो में आपने सिखाया, हम लोग को क्या सिखाया, याद कर, ये देख यहाँ पर देख, अगर तेरे लाइफ में ऐसा कुछ रहता है तो देख किसका घाटा किसका कुछ नहीं जाता, याद आ रहा है, देख पी वाला क्यू के पीछे भाग रहा है, पी वाला ये वाला इसके पीछे भाग रहा है, तो इसका घाटा इसका घाटा इसका कुछ नहीं जाता, बोलो याद आ रहा है, इस लॉ को क्या बोलते हम लोग, कंडीशनल लॉ, क्या बोलते हम लोग बच्चा, एक बार बोल, कंडीशनल लॉ। अच्छा अगर दोनों वाला रहेगा, दोनों वाला रहेगा तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, पी वाला क्यू के पीछे भाग रहा है, कंपलसरी क्यू वाला पी के पीछे भाग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ याद आ रहा है, और इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल लॉ, इसके पहले ही हमने सीखा है बाय कंडीशनल लॉ। पूरा सिस्टमैटिक समझना चाहिए, पूरा सिस्टमैटिक समझना चाहिए, हम आशीष सर क्या बोलना चाहते हैं, समझ पा रहे ये चीज, क्या मस्त डायग्राम लग रहा है, एक बार लाइफ में अगर डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा ना मजा आ जाएगा, एक ना एक दिन तो ऊपर वाला चाहेगा अपन कर देंगे, मजा आ रहा है, लेकिन तभी भी मुझे लगता है मेरे बच्चे फैमिली आ रहे, ऐसा कुछ नहीं, डिजिटल बोर्ड हो व्हाइट बोर्ड हो अपने बच्चे सीख रहे, बस सीख रहे, एक बार बोल देना यार कमेंट बॉक्स में, मेहनत लग रहा है कि नहीं, मेहनत बहुत लग रहा है तुम लोगों को मालूम नहीं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशनल लॉ, पहले तो ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसका नेगेशन मारना है, प्रॉब्लम है भाई ये, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉइंट आउट करो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कंडीशनल लॉ, क्या बोलता है बोल, कंडीशनल लॉ क्या बोलता है, एग्जाम में एमसीक्यूज में बहुत बार आया है, तो सबसे पहले ये एरो को हटाएंगे, बोल कौन है, पी वाला क्यू के पीछे भाग रहा है, तो पी का घाटा होएगा, तो पी का घाटा क्यू का कुछ नहीं जाता, बराबर है ये चीज, अरे बोल आया ना, मैंने इधर क्या यूज किया, कंडीशनल लॉ यूज किया, अब मुझे तो ए सॉल्व नहीं हुआ भाई, सॉल्व नहीं हुआ, तूने वो एरो को हटाया है बस, अब इसका नेगेशन मारना है, इट्स नेगेशन, इट्स नेगेशन, इट्स नेगेशन, चल बोल इट्स नेगेशन, माइनस बड़ा वाला आएगा, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, चल अभी क्या आएगा बोल, अभी क्या आएगा सर, ये हाईलाइट कर दो, एक टर्म और ये एक टर्म, ये अंदर जाएगा साइन चेंज, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, या फिर ये वी है ना, वी वाले को क्या बोलते, ये मैंने कुछ हाँ वी वाले को क्या बोलते, वी वाले को नेगेशन ऑफ डी जंक्शन, उतना सब नहीं जमता, हजम नहीं होता अपने को, फिजिक केमिस्ट्री है। अच्छा सॉरी अगर थोड़ा नॉइज आ रहा रहेगा तो माफ़ कर देना दिल से, चलो हटाओ यहाँ पर, ए बोल साइन चेंज, माइनस पी का क्या होगा पी, क्यू का क्या होगा माइनस क्यू, और वी का क्या हो जाएगा एंड, ये आंसर आएगा।
तो लोग है ना बोलते हैं डायरेक्टली याद कर, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो लोग इसको याद करके जाते हैं एग्जाम में, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ। मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे ना डिराइव करेंगे, मेरे बच्चे डिराइव करेंगे, पहले ये एरो को हटाएंगे, पहले ये एरो को हटाएंगे, पहले ये एरो को हटाएंगे, फिर नेगेशन लेंगे। चलो यहाँ पर एक वापस डबल एरो है ना, चल बच्चा मेरा साथ दे, मुझे बता क्या आएगा। सर डबल एरो है ना, पहले डबल एरो को सिंगल एरो में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे, बाय कंडीशनल। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ। कंडीशनल देखो ना, कंडीशनल पे जो लॉ लगेगा वो कंडीशनल लॉ बोलते हैं। चल डबल एरो है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पी वाला क्यू के पीछे भाग रहा है, कंपल्सरी क्यू वाला पी के पीछे भाग रहा है, बोलो हाँ है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाय कंडीशनल लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, बाय कंडीशनल लॉ। अरे लिख के दे रहा हूँ बस, हजम मालूम है नहीं करोगे तुम लोग। देख डबल एरो तो सिंगल एरो में आ गया, अब सिंगल एरो को गायब कर दे, कैसा करता है बोल, घाटा किसका आएगा, इसका घाटा होने वाला है और इसका कुछ नहीं जाएगा, ये एंड का एंड बोल इसका। देख इसको क्यू इसके पीछे लगा है, तो क्यू का घाटा और पी का कुछ नहीं जाएगा, बोलो याद रहेगा। अब नेगेशन करना, अच्छा नेगेशन नहीं किया अपने, इसको नेगेशन नहीं, इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। डबल एरो को सिंगल एरो, सिंगल एरो को विदाउट एरो। सर मजा आ रहा है लेकिन, सच बता दिल पे हाथ रख के बोल, मजा आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं भाई, बोल। चल नेगेशन, नेगेशन क्या हो जाएगा सर, नेगेशन पी एंड ऐसा कुछ हो जाएगा एंड। चलो अंदर दो टर्म ढूंढो, दो टर्म ढूंढो बच्चा, दो टर्म ढूंढो। हाँ सर ढूंढ लिया, क्या आएगा, पहला ये टर्म है, पहला ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। क्या करने का, दोनों का साइन चेंज करने का, अंदर ही फिर फेंक दे, पहले डब्बे के बाहर आएगा, डब्बे के बाहर आएगा। अब बोलो नेगेशन ऑफ, बोलो नेगेशन पी ये आ गया और इसका आएगा नेगेशन, नेगेशन क्यू और पी आ गया, बरोबर है। एंड का क्या होगा, वी हो जाएगा, एंड का क्या हो गया, वी हो गया। अच्छा ये होने के बाद सर सॉल्व हो गया, नहीं बच्चा कैसे बोल सकते हो सॉल्व हो गया, बोल अभी माइनस बाकी है ना, लास्ट स्टेप बाकी है। अब क्या है देख, ये वाला टैग ये देखने का ध्यान से, और ये देखने का, वी तो एज इट इज रहेगा, वी एज इट इज रहेगा। चल अंदर ये देख, साइन चेंज पी हो जाएगा, इसका साइन चेंज क्यू हो जाएगा, वी का एंड, समझ करो नेगेशन। देखो अभी माइनस बाहर है ना, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होता है, वी का एंड और अंदर का साइन चेंज, ये वाला तो एज इट इज रहेगा। चल यहाँ पर बोल, ये अंदर भेजो, तुम लोग करने का साइन चेंज क्यू एंड और ये, बरोबर है। कुछ टीचर लोग बोलते हैं इसको याद करके जा, नेगेशन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, देखो फाइनल रिजल्ट को क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। फाइनल रिजल्ट को क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। ना 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 ना, हमसे नहीं होएगा भाई वो सब चीज़, वो मगजमारी, वो हम लोग से पाप नहीं होएगा इतना। अरे फिजिक्स का इतना झोल झपटा वाला फॉर्मूला है, केमिस्ट्री का इतना सारा रिएक्शन है, आप क्यों जबरदस्ती दे रहे, नहीं 30 सेकंड लेंगे, 10 सेकंड लेंगे, प्रूफ करके दे देंगे। लेकिन कभी किसी इंसान ने बोल दिया इसका रिजल्ट आता तो हाँ ये बना के उसको प्रूफ कर दे, बोल रहा कि इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। तो ये क्लियर होता है बच्चा, नेगेशन के बारे में अपने को थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल चुका है। एरो रहेगा तो कल के दिन इसी पे आएगा ड्यूल, बताओ इसका ये ड्यूल क्या होता है, वी का एन, एन का वी। अच्छा मैंने एक चीज नहीं लिखा यहाँ पर, एट वाला लिख देता हूँ, नहीं तो तुम्हें बोलेंगे। अच्छा नेगेशन ऑफ सी क्या होएगा, नेगेशन ऑफ सी सोचो ना, सी मतलब फॉल्स, इसका ट्रू होएगा, और नेगेशन ऑफ टी का क्या होएगा, सी। अरे समझ पा रहे हो ये चीज, अरे हाँ है ना, ये लिखा नहीं था अभी, बोलते बोलते याद हो गया। तो ये सब तो हो गया सर, बहुत ही आसान लग रहा है अभी, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग को टॉपिक क्लियर हो चुका है, तो इतना कॉपी कर ही सकते हैं। अच्छा बात तो ये था कि इसका ड्यूल बताओ, इसका ड्यूल बताओ यहाँ पर। चलो ऐसा क्वेश्चन है मेरा, ड्यूल ऑफ यहाँ पर, अच्छा जब भी ऐसा आएगा तो पहले वो एरो को हटाना पड़ेगा, ड्यूल बाद में, ड्यूल क्या था, वी का एन, एन का वी, सी का टी, टी का वी, ऐसा अंदर माइनस जाता ऐसा कुछ नहीं। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया, अरे बोलो इट्स ड्यूल, ड्यूल क्या हो जाएगा, चलो बताओ इट्स ड्यूल, साइन चेंज नहीं होता, ये साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ वी का एंड होता है, ये आंसर आएगा। अरे समझ पा रहे हो किस तरह हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, ड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसका भी अगर ड्यूल रहेगा तो क्या आएगा, पहले सिंप्लीफिकेशन करोगे यहाँ तक तो सेम ही आएगा, ड्यूल में क्या हो जाएगा, चलो ये वाला एज इट इज ये एन बन जाएगा, ये वाला एज इट इज ये वी बन जाएगा, ये वाला एज इट इज ये एन बन जाएगा, ये एज इट इज, कितना इजी है, ड्यूल पे भी कंसेप्ट आ रहा है, समझ पा रहे हो। अगेन बात कर रहा हूँ, अपन ने स्टेट बोर्ड में किया है तो तुम लोग को अगर निबंध में स्टेटमेंट में दिया रहेगा, वर्डिंग में दिया रहेगा तो क्या करोगे, बोलो सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंबल फॉर्म का नेगेशन लो, नेगेशन के बाद उसको वापस स्टेटमेंट में लिखो, जिस तरह निबंध लिखा रहेगा। प्लीज इसको कॉपी करो, आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं हम लोग निबंध वाले में। देखो कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं यहाँ पर, राइट द नेगेशन। सबसे पहले तो किचन इज नीट एंड टाइडी, अगर तुम लोग के पास ऑप्शन है, देखो पहले तो एक हम लोग थोड़ा लेंदी अप्रोच जाते हैं उसके बाद बात करेंगे। दो स्टेटमेंट में द किचन इज नीट एंड टाइडी, देखो दोनों के बीच में लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी वाले को क्या बोलेंगे, पी क्या बोलेंगे, द किचन इज वॉट,
पहले याद करो मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को, जब भी ऐसा सेंटेंस में देगा, वर्डिंग में देगा, फ्रेसेस में देगा, तो उसको सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंबल फॉर्म करने कन्वर्ट करने के बाद नेगेशन निकालना, नेगेशन निकालो, डुअल निकालना, डुअल निकालो, उसके बाद फाइनल आंसर वापस उसमें दो। तो अभी बात करेंगे, रुको, सब कुछ शॉर्टकट में बात करेंगे। द किचन इज नीट एंड क्यू का क्या आएगा, द किचन इज व्हाट, द किचन इज टाइडी, समझ रहे, नीट एंड टाइडी बोलते ना यहाँ पर। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म बोलो पी एंड क्यू, ये क्या है, ये उसका क्या है सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या है अपना सिंबॉलिक फॉर्म। चलो सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या आएगा, अब इसका नेगेशन लो। देखो लेंथी अप्रोच भी पता होना चाहिए, नेगेशन, नेगेशन क्या हो जाएगा, इट्स नेगेशन, इट्स नेगेशन, चलो बोलो क्या हो जाएगा, इट्स नेगेशन मतलब ऐसा नागिन बनाएगा, और बोलो इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट टू व्हाट, अभी तो सीखा हमने, और नेगेशन ऑफ क्यू, तो इसका मतलब आंसर आ गया अपने को, आंसर आ गया। देखो अब इसको क्वेश्चन देखो, समझा, पहले सिंबल फॉर्म में बनाया, फिर उसका नेगेशन लिया, फिर से वापस सेंटेंस, अब इसको क्या रीड करेंगे, देयरफॉर आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका क्वेश्चन का, आंसर क्या है, नेगेशन ऑफ पी मतलब द किचन इज नॉट नीट और द किचन इज नॉट टाइडी। तो हम लोग लिखते हैं द किचन इज नॉट नीट और आएगा और नॉट टाइडी, समझ पा रहे हो किस तरह हम लोग ने डील किया, टाइम लो लेकिन हो जाएगा। इसका नेगेशन क्या आएगा, ये डायरेक्टली इसका नेगेशन ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली। तो सर इतना सारा चीज करेंगे नहीं बच्चा, तू सोचना, तेरे को सिर्फ उल्टा बोलना है किसको, पेरेंट्स को, नहीं नहीं अभी पागल हो गया, मार खा जाएगा। देख ये बोला किचन इज नीट तो तुम लोग बोलेंगे किचन इज नॉट नीट, ये बोला टाइडी तो तुम लोग बोलेंगे नॉट टाइडी, एंड का और, अब ये क्लियर हो गया। चलो इसके बाद क्या हो जाएगा, चलो देखते डायरेक्टली शॉर्ट में बोलो तुम लोग को क्या सीखा था, इसका इसका को इस तरह लिखते हैं, याद करो इट्स नेगेशन डायरेक्टली बोलो। चलो हाँ समटाइम नहीं आएगा तो ऐसा अप्रोच करेंगे हम लोग पी क्यू लेके, आगे देखेगा तुम लोगों को। चलो अच्छा इसका क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा एक्स, याद आ रहा है तुम लोगों को इसका नेगेशन क्या होता है, इट्स का नेगेशन ये होता है सच डैट, सच डैट, अरे सर ये याद आ रहा है, ये याद आ रहा है। सोचो इसके बारे में क्या सिखाया था तुम लोगों को, दो मैथड है, या तो ये सेम टू सेम लिखो एक्स प्लस नाइन ऐसा लिखो और इसको कट कर दो, या फिर और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, और बिलोंग्स टू वॉट ए, सच डैट, सच डैट, क्या लिखने सिखाया तुम लोगों को, ये सेम टू सेम लिखने का, सेम टू सेम लिखने का, जो ऐसा हो ऐसा, इक्वल टू है तो इधर इक्वल टू नहीं, दोनों ही आंसर राइट है, दोनों आंसर रॉन्ग नहीं है, दोनों ही आंसर राइट है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। चलो इसका डायरेक्टली बताओ, इसका बोलो सर ये वी वाले का क्या हो जाएगा, मानो मैं उल्टा एन, अच्छा देखो छोटा एक्स की जगह पे एन लिखा है, कोई मैटर नहीं करता एन, ये क्या लिखा है एन प्लस सेवन, दो मैटर है। चलो इस वक्त मैं ये पहला वाला मैटर यूज़ करता हूँ कट करने वाला, तुम लोगों को समझना चाहिए। और क्या लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ एन बिलोंग्स टू वॉट एन, बोलो एन प्लस सेवन क्या लिखोगे, सेम टू सेम लिखने का, सॉरी या ऐसा है तो ऐसा लिखने का, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू डालने का, ये भी सही है सर। देखो ये क्या था, ये क्या था एटलीस्ट वन, और ये क्या है ऑल, तो अब यहाँ पर देखो सेंटेंस में लिख के दिया है, ऑल की जगह पे क्या आएगा, देखो ऑल की जगह पे सम आएगा, स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज लिव इन द हॉस्टल, उल्टा बोलो स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज डू नॉट लिव इन द हॉस्टल या डज नॉट लिव इन द हॉस्टल, जैसा इंग्लिश तुम लोग का मैच हो जाए, ऑप्शन में दिया रहेगा ना। तो सम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, ऑल का उल्टा क्या होता है, सम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, ऑफ दिस कॉलेज, ऑफ दिस कॉलेज डज नॉट या डू नॉट लिव इन द हॉस्टल, मेरे हिसाब से ये भी क्लियर होता है तुम लोगों को किस तरह डील करना है। नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन बता रहा हूँ डायरेक्टली तुम लोगों को, मैंने ये भी बताया लेंथी अप्रोच कैसे करना हो डायरेक्टली, सम ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो पहले सम को हटाओ, सम का क्या होता है, सम का क्या होता है ऑल, अब लिखो ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तुम लोग क्या बोलेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, बराबर है। लास्ट वाला देखो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, अब थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोमबस, इफ एंड ओनली इफ, इफ देन वाला आएगा तो पहले ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, समझ पा रहे हो। तो चलो बोलो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, मैं ये पूरे को पी नाम दूंगा, अभी स्टेटमेंट देखो ये पूरे को क्या नाम दे रहा हूँ, पी नाम दे रहा हूँ, और ये पूरे को क्या नाम दे रहा हूँ, क्यू नाम दे रहा हूँ, किसको दिक्कत है क्या इसमें, तुम लोग बोलो इसका सिंबल है, समझ गए ना, P इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, सिंबॉलिक फॉर्म अभी तक मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म P, अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है डबल इंप्लीकेशन आने वाला है, अरे बराबर है कि नहीं, तो डबल एरो को पहले सिंगल एरो, सिंगल एरो को गायब करो, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, P वाला Q के पीछे भाग रहा है, कंपलसरी Q वाला P के पीछे भाग रहा है, बच्चा मैंने अभी तक नेगेशन नहीं लिया, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अभी तो हम लोग फैमिलियर हो चुके, इसका इसका घाटा इसका कुछ नहीं जाता, इसका घाटा इसका कुछ नहीं जाता, बरोबर है ना ये चीज, अरे बोल हाँ या ना, दिक्कत है किसी को, बोल यस और नो, अरे बोल दे प्यार मोहब्बत से बोलता हूँ, ये क्लियर होएगा सर। अभी सिंपलीफाई हो गया, नेगेशन लेते क्या, हाँ नेगेशन ले लेते हैं, अब नेगेशन लेते, अब नेगेशन लेते, अब नेगेशन लेते हैं,
नेगेशन बोलो क्या आएगा, नागिन। सर अभी तो किया था शायद, मुझे लगता है इसके पहले वाले फ्रेम में, लेक्चर में, लेक्चर बोल रहा हूँ, 5 मिनट पहले हमने इसको सॉल्व किया था। चलो डायरेक्टली फटाफट बताने का, एवरीवन ध्यान दो, क्वेश्चन अपने को वर्डिंग में लिखा तो आंसर भी अपना वर्डिंग में होना चाहिए। लेकिन चलो बोलो अंदर जाएगा, देखो बोलो ये अंदर जाएगा, देखो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, तो क्या आएगा, नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ तू डिराइव करना सीख, एंड का क्या हो जाएगा, अभी अभी वाला अंदर जाएगा। चलो अंदर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बोलो, ये माइनस का प्लस, देख दो साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, दो जन दिख रहे हैं, ये पी हो गया एंड ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ क्यू। ये वाला है तो, अरे अभी जो किया वही तो है बच्चा, क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, बराबर ये चीज़। हाँ अभी सिंप्लीफाई नहीं होगा, अब वर्डिंग में बोल, तेरा ये पी था ये क्यू है, चलो वर्डिंग में बोलो, वर्डिंग में बोलो, ए इफ एन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वेयर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, और क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल, ये फटाफट बोलो यार, क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल इज अ, पी लिखा ना, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वेयर, ये क्या है, एंड एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब इट इज नॉट रोम्बस, दिख रहा ना बच्चा। हाँ उसके बाद क्या हो गया, हो गया ये, इसका लिख लिया, और लिखा है, और क्यू लिखा है, क्यू मतलब इट इज अ रोम्बस, इट इज मतलब ऐसे लिखो, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस, एंड एंड नेगेशन ऑफ पी मतलब इसका इट इज नॉट ए स्क्वायर, क्या लिखोगे, एंड इट इज, इतना तो अपने को थोड़ा इंग्लिश आता है, एक बार क्वाड्रिलेटरल लिखा तो दूसरे टाइम में उसकी जगह पे क्वाड्रिलेटरल की जगह पे इट लिखो। नोट करना तुम लोग ने ये जहां पर एंड लिखा है ना, एंड 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 की जगह पे तुम लोगों को मैंने सिखाया है, एंड की जगह पे क्या क्या आ सकता है, इन स्पाइट आ सकता है, वाइल आ सकता है, बट आ सकता है, समझ, नेदर नॉर तो मिक्स करके आएगा नेगेटिव वाला, तो ये याद रखना, एंड की जगह पे इन स्पाइट भी चलेगा, वाइल भी चलेगा, बट भी चलेगा, कोई मैटर करता नहीं अपनी लाइफ में ये, तो ये नेगेशन वाला पार्ट कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रोवर्सिटी सब कुछ डिटेल में जा रहे हैं, प्लीज़ कॉपी करना और डायरेक्टली फ्रेश होकर न्यू वीडियो चालू कर देना।